जर्नलिज्म गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफी खास रहेगी अगर आप भी कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, ये वाइकोम 18 की ओर से एक नया हिंदी फिल्मों का चैनल लॉन्च होने जा रहा है जो कि 24/7 आपको प्योर बॉलीवुड मूवीज ही पेश करेगा। डीडी फ्री डिश की अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि 1 अप्रैल 2021 से ऑफिशियली डीडी फ्री डिश में सबसे पहले ही लॉन्च हो रहा है। बाकी डीटेल्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो फिलहाल कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन डीडी फ्री डिश फाइनल है। इसके अलावा डिश टीवी में भी आपको डीडी फ्री डिश की सहायता से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड जो चैनल है उसके टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू कर दिया गया है सी बैंड पर। पहले जो था बीडीएम चल रहा था, लेकिन बीडीएम को वहां से रिमूव करते हुए कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड को रिप्लेस कर दिया है। अब जो चैनल है वो कौन से सैटेलाइट पर टेस्ट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है और फिलहाल हमें क्या देखने को मिल रहा है या देखने को नहीं मिल रहा है, तो हर चीज जो आपको मैं बारीकी से समझा दूंगा सीधा टीवी स्क्रीन की ओर ले जाकर। बाकी इस चैनल के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जो है वो रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सीधा ही मैं आपको टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं और बताना चाहता हूं कि कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड की जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। बीडीएम जो चैनल है वो हमारे बीच हटा दिया गया है और अब जो है आपको कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड को इंटरसेट 20 जो कि 68.5 डिग्री ईस्ट सी बैंड का सैटेलाइट है उस पर डाल दिया गया है। सिग्नल क्वालिटी की बात करें तो 96-97% सिग्नल आसानी से मिल रहे हैं। मेरे पास जस्ट 12 फीट का डिश लगा हुआ है, उसमें मैंने इंटरसेट 20 की डायरेक्शन की हुई है। बाकी इसके जो सिग्नल्स है वो करीब 5 फीट पर भी आसानी से मिल जाते हैं, तो आसानी से जो है इस चैनल को आप ट्यून कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बताना चाहूंगा ये स्क्रिम्बल्ड है, इसको आप नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको 1 अप्रैल का इंतजार करना होगा क्योंकि 1 अप्रैल से ये डीडी फ्री डिश में फ्री टू एयर में अवेलेबल हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी की बात करें तो इसका जो टेस्टिंग है वो शुरू की गई है टेस्ट सिग्नल पर। कुछ देर के लिए चला था लेकिन उस दौरान मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सका या इसकी वीडियो नहीं बना सका और उसी देर में जो है इसको स्क्रैम्बल कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड की टेस्टिंग है वो सैटेलाइट पर शुरू कर दी गई है, तो चिंता की बात नहीं है। फाइनली जो है ये 1 अप्रैल से आपके टीवी स्क्रीन पर डीडी फ्री डिश में जरूर देखने को मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी मैं बता देता हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है 4036 हॉरिजॉन्टल 20500। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है 4036 हॉरिजॉन्टल 20500। नमस्कार।